कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल SSC एग्जाम गुरुजी में वंस अगेन। और इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियोस आपको मिलते रहिए। हम लेके आते हैं यहाँ पे मैथ्स के रोज़ डेली एक वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक, इसमें दो तरह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो है वो आता है आपका जो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी है, उसके बाद हम पावर वाले में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखो भाई, निकालना हमें यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालना है, तो नाम में ही है इकाई का अंक, तो भाई मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, हम इकाई का अंक ही उठाएंगे। ठीक है, 3, 2, 7, 4, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 यहाँ पे लिख लेंगे जैसा है, इसमें जो साइन है 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 7 लिख लेंगे, इंटू 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई, इनकी गुणा करते हैं तो इनकी गुणा आ जाती है आपकी 28। ठीक है, इनकी आ जाती है 6। अब फिर यूनिट डिजिट उठा लेंगे, ये आपकी दोनों यूनिट डिजिट हो गई, तो इनकी गुणा करें क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही है बीच में जो इसका साइन है, तो ये हो जाएगा आपका। देखो भाई, और कोई किसी भी तरह से यूनिट डिजिट के आगे का कोई भी अंक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 2 का कभी देखने बैठ जाओ, क्योंकि भाई टाइम होता है कम, हमें जो अपना जो हमसे पूछा गया हम वहीं तक रहेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा ये 6 की और 8 की गुणा करेंगे 48 होता है, तो 8 हमारा यूनिट डिजिट आ गया है, तो हमें ज़्यादा पंगे में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो दोस्तों, आ गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, इसमें आपको 416 गुना 333 प्लस, ठीक है, ये वाले नंबर दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, नहीं फिर माइनस, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, तो 3 ये अलग अलग इसको जो है दिए हुए हैं। इसमें हम यूनिट डिजिट मैंने बोला है आपको लेना है, बस ये ले लेना है, ये ले लेना है, ये ले लेना है, ये ले लेना है, ये भी ले लेना है। ठीक है, तो 6 × 3, ठीक है, प्लस 3 × 8, माइनस 6 × 2, बस इनके हमें कर देनी है गुना। ये हो जाएगा 18, प्लस ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 12। अब फिर से हमें जो है यूनिट डिजिट ले लेना है ये वाला। ठीक है, तो 8, ये प्लस के नहीं था ना, 8 और 4 12, 8 और 4 तो हो जाएंगे भाई 12। ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा इसमें से 2। चलिए दोस्तों, देखते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट इन पावर नंबर। ठीक है, देखो नंबर मैं आपको बताऊंगा दो तरह से नंबरों को, कि कुछ नंबर तो होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी होती है 1। ठीक है, जैसे कि 0, 1, 5 और 6। ठीक है भाई, ये नंबर ये यूनिट डिजिट पे हो, ठीक है, किसी भी नंबर में, तो इनका स्क्वेयर कर लो, चाहे भाई क्यूब कर लो, चाहे इसकी 4 टाइम कर लो, और चाहे भाई इसके 1000 टाइम कर लो, इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा, जो ये सेम है वो का वो रहेगा। ठीक है, और भाई नहीं मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 का मैं ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर 6 का ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों का ले लेता हूँ। ठीक है, 5 का स्क्वेयर हो जाएगा भाई 25, ठीक है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमेशा 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 का भाई 1 हो जाता है, 6 × 2 = 36, और भाई 6 का क्यूब हो जाता है 16, ये हमेशा 6 आएगा। तो भाई इनकी साइक्लिसिटी हो गई, तो भाई साइक्लिसिटी हो गई इन 4 नंबर की 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, और जो जितने भी बाकी जितने भी नंबर बच गए, ठीक है, 2,
7, 8 या फिर 9, ठीक है। ये जितने भी नंबर बच गए हैं इनकी भाई साइक्लिसिटी होती है 4, साइक्लिसिटी होती है 4 इन सभी की, ठीक है। देखते हैं कैसे। चलो देखो, 2 ले लेता हूँ मैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितनी हो जाती है 4, 2 की पावर 3 8 हो जाती है, और 2 की पावर 4 ये आपकी हो जाती है, 16। 16 मतलब कि ये यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं तो ये 6, ठीक है। अब देखते हैं जो 2 की पावर 5 आएगी ना भाई, वो 32 होगा, और फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ये 2 फिर से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 4। चलो एक बार और देख लेते हैं 3 की पावर 1, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान है अगर ये आपको चीज़ समझ आ गई तो, ठीक है। 3 की पावर हो जाएगी 2, ये 9 हो जाता है। 3 की पावर 4 कितना होता है भाई, 27 होता है, तो 7 लिख लेता हूँ मैं, बस यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 की पावर 3 कर लेते हैं। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई, 81 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 दोबारा से आपका 3 हो जाएगी, देख लेना भाई, ठीक है। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये बन जाता है 243, ठीक है। तो ये आ जाएगी, तो इसी तरह आपका 4 का देखते हैं, तो 4 का हो जाता है 1, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 हो जाता है 16, 4 का क्यूब करते हैं तो फिर से 4 आ जाएगा 64, ठीक है। 4 करते हैं, देखो इसमें ये आप बोलोगे कि साइकिल सिटी 2 है, लेकिन साइकिल सिटी 2 है लेकिन 4 भी तो है, इसको मैं 4 भी बोल सकता हूँ, साइकिल सिटी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको 4 बोलूँगा, इसलिए मैंने इसको कॉमन में लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती इससे, आपको मैं आगे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कि क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है पहला हमारा, अगर आपने बेसिक ढंग से सीखा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर दोगे, ठीक है। खेल यूनिट डिजिट का है तो यूनिट डिजिट को ही हम दिमाग में रखते हुए करेंगे, बस करना ये है कि साइक्लिसिटी हमारी 4 है, ठीक है। 4 किसकी है, वो नंबर आपको ध्यान रखने हैं, तो 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो अगर साइक्लिसिटी 4 है तो बस इसको 8 को निकाल लेना है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट के साथ खेल रहे हैं। इस पावर को 4 से भाग कर देना है, इस अगर 4 से भाग करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 4 से भाग करूँगा, 9 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा, ठीक है, जाएगा, और इसका रिमाइंडर बच जाएगा 1, 2, 4, 3, 12, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 की पावर 2। देखो दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है, यहाँ यहाँ पे समझिए, ठीक है। 8 की पावर 1, ठीक है, कितना हो जाता है 8, 8 की पावर 2 64 होता है, 4, 8 की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, और 8 की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा 6, और 8 की पावर 5, ठीक है, 8 की पावर 5 दोबारा से देखोगे आपका हो जाएगा 8। आप इसको करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो 8 से करोगे तो 16 बनेगा 6, और इसको ये बन जाएगा आपका जो है, तो भाई इसकी साइक्लिसिटी हो गई 4। तो 4 तक तो आप कितनी बार ही करते रहो तो लास्ट डिजिट ये आएगी 4 तक, ठीक है। लेकिन मैटर करता है उस जो 4, ये साइक्लिसिटी जहाँ पे ख़त्म हो गई ये 93 बार घूम चुका है, ठीक है, 93 बार ये घूम चुका है, लेकिन उसको यूनिट डिजिट नहीं मिला है। मैटर करता है उसके बाद कितनी पावर बच गई है और कितनी पावर आनी है, तो वो ही ये पावर है कि जो साइकिल सिटी बनने के बाद ये पावर कितनी रह गई है। 8 की पावर 2 हो जाता है आपका 64, और यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, और ये माइंड में ही सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप माइंड में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, और विद इन 1 सेकेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, 512 की पावर 106 के परिणाम का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। वही इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो यूनिट डिजिट का
खेला इसमें, तो हम भी खेलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। चलिए भाइयों, दो, ठीक है, दो ले लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट है दो की पावर, देखो 106। अब इसको मैं साइकिल सिटी 4 है, आपको पता है 2 की, 4 ले लेता हूँ। अब देखो 4 अगर अंदर ले लिया है तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 2 4 6 24, तो 2 की पावर रिमाइंडर बच गया 2, तो बस 2 का 4 यानी डिजिट आ गया आपके सामने। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर रिमाइंडर बच रहा था 2, ठीक है, ये भाग करने के बाद अगर शेष, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो देखते हैं, 2 की पावर, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको आपका 108 कर देता हूँ, सपोज करो, ठीक है। अब साइकिल सिटी इसकी 4 है, कोई बात नहीं भाई, 4 है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, अब भाई बच, ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड, और रिमाइंडर बचा है 0, ठीक है, रिमाइंडर बचा है 0। तो भाई अब क्या करेंगे, देखो हो क्या रहा है इसमें, रिमाइंडर बच गया 0, आगे कोई टर्म बची नहीं है, तो क्या करना है, 1 की पावर 2 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4, कितना होता है 6। अब देखो भाई यहाँ पे जो है साइकिल सिटी कंप्लीट होगी, 27 बार घूमा और यहाँ पे आके रुक गया हो, आगे कोई पावर ही नहीं बची, ठीक है, सिंपल इज दैट, मतलब कि आपकी कोई पावर ही नहीं बची वहाँ पे, और ये यहाँ पे आके रुक गया और इसको यूनिट डिजिट इसका मिल गया है। तो बस अगर आपको लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, इस तरह से आप लिख लेना, शेष अगर 0 है अतः तो बेस के इकाई अंक पर 4 पावर रखेंगे, तो बेस के इकाई का अंक हमने निकाल लिया था क्योंकि इसमें 2 निकाला था हमने, तो 2 ही है, ठीक है, तो इसमें इसकी पावर 4 करके और इसका आंसर निकाल देंगे हम यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, अगर रिमाइंडर हो जाए 0 तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो साइकिल सिटी आगे रुक जाएगी उसकी 4 पे, और जो उसकी पावर होगी 2 की पावर 4 वही आपका यूनिट डिजिट देगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में बार बार आ रहा है, ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो पे कुछ क्वेश्चन दूंगा वो आपको करने हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, आप जहाँ से भी आप कर रहे हो नोटबुक से वहाँ से करके, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जो मैंने सवाल दिए हैं वो आप करिए, और वैसे प्रैक्टिस आप करते रहिए, तो रोज़ वीडियो आ रही है तो रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा अपना बढ़ते रहिए आगे, जो बता रहा हूँ करते रहिए, ठीक है, साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58, ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बनता है, तो 7 की साइकिल सिटी कितनी होती है भाई, वही होती है 4, और भाई 3 की भी वही होती है 4, 7 की साइकिल सिटी हो जाएगी 4, तो 4 ले लेते हैं इसमें से, इससे कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिवाइड, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है, और 4 3 12, और 7 की पावर आ जाएगी 3 भाई यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस में चल रहा है क्वेश्चन, तो 3 की पावर 4 यहाँ पे निकालेंगे तो 14 चौको हो जाएगा 56, ठीक है, तो ये 14 पे जाएगा और बाद में बच जाएगा आपका 3 की पावर 2, तो भाई ये हमें छोड़ देना है क्योंकि हम खेल रहे हैं सिर्फ, मैंने बताया साइकिल सिटी जहाँ से कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वाले पे, तो हमें लेना है ये 7 की पावर हो जाएगी 3 और 3 की पावर हो जाएगी 2। अब भाई देखो ये तो हो जाएगा कितना, इसका यूनिट डिजिट देखते हैं तो 300, ये होता है 43 7 का क्यूब, और ये हो जाता है इसके स्क्वायर 9। अब यहाँ बोलोगे आपके भाई -6 आएगा, तो भाई बिल्कुल नहीं आएगा -6, देखो कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो कि 7 का क्यूब जो है वो ज़्यादा होगा, और 9 का जो स्क्वेयर है वो 9 ही 3 का जो स्क्वेयर है वो 9 रहेगा, तो भाई ये होता है इतना, ठीक है, यूनिट डिजिट के साथ ज़रूर खेल रहे हैं लेकिन जो कैरी ओवर और हासिल का जो चक्कर होता है वो कभी नहीं भूलना, ठीक है, तो यहाँ से एक आएगा कैरी,
ये हो जाएगा 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, और यूनिट डिजिट आएगा आपका 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मेरा लेने का इसमें यही मोटिव था, ताकि मैं आपको सारी चीज़ समझा दूँ कि भाई पेपर में क्वेश्चन घुमा के आते हैं, थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देते हैं। वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो चीज़ें लगनी है उसमें जो मेथड लगना है वो सब सेम रहेगा लॉजिक, लेकिन बस वो इतना घुमाएगा कि आप जो है उसमें आंसर जो है टिक करके गलत है। वो आंसर आपको देगा -6 भी देगा, 6 भी देगा, लेकिन उसका आंसर सही होगा 4, ठीक है। तो ध्यान रखना और जो है इसको सही करके आना जब भी आपका एग्ज़ाम हो और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। अब भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है 3 की पावर 3 की साइक्लिसिटी कितनी थी, 4, ये याद कर लेना, बिल्कुल रट देना, और आपको पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 16 चौक 64 होता है, तो ये 3 की पावर 1 बच जाएगा। जो निशान है वही निशान लगाना है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 6 की आप साइक्लिसिटी देखोगे 1 होगी, तो 6 को कुछ भी कर लेना आपको भाई 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो भाई 17 चौकू होता है ये 68, और इसमें से रिमाइंडर बच जाएगा फिर से 3, तो भाई ये सब छोड़ देंगे, लेकिन ये 6 आएगा क्योंकि 6 यूनिट डिजिट पे आएगा इसका, और ये हो जाएगा भाई 7 की 3, तो ये तो 3 आएगा ही आएगा, ये 6 आएगा, और इसमें भी भाई एक 3 आएगा क्योंकि ये होता है 343, ठीक है। 18 18 54 भाई, ठीक है भाइयों, ये आ गया आपका 4, ये हो रहा है यूनिट डिजिट। इस तरह से मैंने आपको पावर वाले सारे क्वेश्चन करा दिए, मल्टीप्लिकेशन वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, जो भी एग्ज़ाम होगा इस पे आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसा तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दे दूँगा। अब भाई ये थोड़े कोई क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ये आपको घर से करने हैं। ये संख्या दी हुई है पावर में, इसका इकाई का अंक प्राप्त ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे सारी ये ना दी हुई है, ये 199 है, ये 199 है, ठीक है। तो ये इसका ना इकाई का अंक सभी का ज्ञात करना है, और ये मेरे को आप करके इसका सॉल्यूशन आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं होता है तो भी मेरे को कमेंट करके आप बता दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम मोटिवेट हो सके, और आपको भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स देके आपको भी मोटिवेट कर सके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा सके, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका SSC एग्ज़ाम गुरुजी चैनल की तरफ से आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बने रहिए SSC एग्ज़ाम गुरुजी के साथ। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नंबर सिस्टम की एक और टॉपिक के साथ, बहुत ही खुशी से। ओके, थैंक यू।